Welcome to Module 8, Day 3. Students and learners, your listening goals, जो कि आपका मॉड्यूल का नेम होने वाला है, सो प्लीज लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो प्लीज मुझसे कनेक्ट होइए, सब्सक्राइबर बटन को प्रेस कीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट पार्ट ए माय स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपका अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग एंड प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। ओके, अगर आपको याद होगा, हमने ये ऑलरेडी FPA में सीखा है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हियर। ओके, सो अगर आपको याद होगा तो आपको आता होगा, पर जो स्टूडेंट को याद नहीं है, सो लिसन मीन जो हम केयरफुल होके जो सुनते हैं, जिसमें हमारा फोकस होता है, पूरा फोकस होता, वो हम लिसनिंग स्किल में काउंट करेंगे। और हियरिंग, जैसे हमने सिर्फ सुना, आते जाते कोई चीज़ हमने सुना बट हमने उस पर फोकस नहीं किया, बस हमने उसको सुना, बस सुना है, हाँ जी हमने वो सुना था, बस ऐसे ही, उस पर हमने कोई फोकस नहीं किया, ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाले, वो आपका हियरिंग में हो काउंट होगा। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने इन अ शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, एंड फोकस आपका होगा लिसनिंग में, क्योंकि हम कोई चीज़ पे फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं सीखने के लिए, सो हम उस पर पूरा इफेक्ट डाल रहे हैं, तो वो हमारा लिसनिंग में होगा। और लिसनिंग पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ समझने के लिए। ओके, वो आपका वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, और किसी से फ्रेंडशिप में अगर आपको कोई बात चल रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, जितना आप अच्छे से सुनोगे उतना ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट आपका है, ओके, सेट इंडिविजुअल एंड टीम गोल्स टू विन द सोनोग्राफिक कॉन्सेप्ट। ओके, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है, सो उसके क्या गोल्स हैं, वो आपको अपनी टीम के साथ सेट करने हैं, देन उसको कैसे विन करना है वो आपको सिखाया जाएगा इन अ FPA में। ऑलराइट, देन सेम एज जो हम डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लर्निंग। ओके, सो सेल्फ लर्निंग जो कि आप सीख रहे हो, वो वही चीज़ें जो प्रीवियस मॉड्यूल में अभी चलता आ रहा है, एंड फीडबैक्स आपके हैं। ओके, सो इसमें पार्ट ए में इतना ही है, आगे देखते हैं पार्ट बी में क्या है, कि लिसनिंग स्किल को और कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आपको कैसे डेवलप करनी है, वो कुछ यहाँ पे राइट डाउन किया गया है, जो कि आपको रीड करके समझना है। सो आपको जैसे कोई स्पीकर है, उसको आपको केयरफुल होकर कैसे सुनना है, कैसे उसकी बात को समझना है, वो सारी चीज़ें इसमें राइट डाउन है। सो मैं कुछ हिंट दे देती हूँ एंड देन आगे हम इसको लिसन करेंगे केयरफुली। ओके, सो गिव अनअवॉइडेड अटेंशन एंड फेस द स्पीकर, उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, एंड मेंटेन एन ओपन माइंड। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में देना है, अलाउ द स्पीकर टू कंप्लीट देयर थॉट्स, जो भी स्पीकर के माइंड में है, जो वो कहना चाहता है, प्लीज उसको कंप्लीट करने दीजिए, वो दिया गया है। ओके, उसके पॉइंट दिए गए ना, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको जरूर से फॉलो कीजिएगा। ओके, अगर हम अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे तो हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और हमारे जो कुछ डाउट्स हैं हम उसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आई होप आप समझ गए होंगे, चलिए अब इसको थोड़ा सुन लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। अ की टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्ड काउंट 347। इन टुडेज वर्ल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एवर, व्हाइल स्पीकिंग स्किल्स आर ऑफन एम्फसाइज्ड, द वैल्यू ऑफ लिसनिंग कैन नॉट बी अंडरएस्टिमेटेड। बीइंग अ गुड लिसनर एनेबल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। एक्टिव लिसनिंग कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूस्ड एरर्स, एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। मोरओवर, इफेक्टिव लिसनिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन पर्सनल कनेक्शंस एंड करियर ग्रोथ। फोर स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। Give undivided attention and face the speaker. Engage in focused conversation by giving the speaker your full attention. Make a conscious effort to face them. Maintain eye contact and eliminate distractions. While cultural norms or personal factors may affect eye contact, strive to show the speaker that you value their words and are fully present in the conversation. Maintain an open mind. Suspend judgment and mental criticism when listening to others. Preconceived notions can hinder your ability to truly comprehend what is being communicated.
reserve a valuation for after the speaker has finished sharing their thoughts. Allow the speaker to complete their thoughts, respect the speaker's need to express themselves fully, interrupting or cutting them off mid-sentence conveys disrespect and disrupts the flow of conversation. By letting the speaker finish their thoughts, you create a conducive environment for productive dialogue. Practice active listening techniques. Active listening demonstrates your interest and is a crucial skill for effective communication. Employ the following techniques. Paraphrase what the speaker said to ensure understanding. Utilize nonverbal cues such as nodding and maintaining eye contact. Offer verbal affirmations like, I understand, I see, or thank you to acknowledge the speaker. Show genuine concern and establish rapport by displaying empathy and understanding. Emphasize the importance of listening. Effective listening is often undervalued in today's society, yet it is an essential component of good communication. Mastering both speaking and listening skills is vital. By being an attentive listener, you can gain deeper understanding and foster stronger relationships. Improving your listening skills is a valuable investment in your personal and professional growth. Students, learn up. Strategies. Activity book. देख लेते हैं. Activity book में आपका what list है जिसकी आपको practice करनी है. कुछ new words हैं. Moosh, moose, mash, mass, dose, dash, so, share. So, ये कुछ words दिए गए हैं. So, इनके आप practice कर सकते हो. Okay, add on करके. Then, next आपका है, okay, आपका quiz है. जो भी आपको मूक की वीडियोस दिखाई जाती है उनके द्वारा आपको क्विज दिया जाएगा पार्ट बी में आपका 13 इयर्स ओल्ड लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वो क्विज है फर्स्ट. ओके एंड सेकंड आपका है पार्ट सी में आपका है एक्स्ट्रा बेनिफिट क्विज पेंडेमिक नेचर एंड अस. सो ये क्विजेज आपको सॉल्व करने हैं. ओके फर्स्टली आप खुद से कीजिएगा देन इन केस ऑफ दैट मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है. ओके इन क्विजेज के आंसर चलिए चेक आउट कर लेते हैं जल्दी से. लेट्स स्टार्ट इट. ये आपके करेक्ट आंसर हैं. ओके ये आंसर आपके रेफरेंस बुक में भी अवेलेबल हैं. प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा. ओके कुछ स्टूडेंट्स चेकआउट नहीं करते हैं सो उनके लिए मैं शेयर कर रही हूँ. सो प्लीज फर्स्ट आप अपने पे बिलीव कीजिए अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग कीजिएगा क्योंकि आपकी लर्निंग है आपसे रिलेटेड है. देन अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो आप इस वीडियो में से भी देख सकते हैं देन अपनी रेफरेंस बुक में से भी चेकआउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स लर्नर आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी. ऑल ओवर करेक्ट आंसर हैं. ओके और नेक्स्ट चलिए और नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास 10 से रिलेटेड. सो मैंने ऑलरेडी से एरोज टिक कर रखें ताकि आपको हेल्प हो सके करेक्ट आंसर के साथ. ऑलराइट सो 1 to 15 है सो इजीली आपके लिए हेल्प हो जाएगी. देन फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग लिख कीजिएगा. ओके कुछ मिस आउट हो जाता है सो अगर मुझसे भी होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके आज के मॉड्यूल 8 में D3 में इतना ही. आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा. अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो प्लीज़ लोगों से शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट मॉड्यूल मिलते हैं. तब तक लेटा टाटा बाय बाय.